सलाम एंड नमस्कार, मेरा नाम है राकेश रहमान, आई एम टेक्सटाइल डिजिटल डिजाइनर। एंड आज हम कोई डिजाइनिंग के बारे में बात नहीं करेंगे। आज एक बहुत ही गंभीर सिचुएशन अभी चल रहा है, जो कि कोरोना वायरस की वजह से पूरा इंडिया में अभी लॉकडाउन किया गया है। एंड इस सिचुएशन में क्या करें, मुझे पता है कि मैं शायद ऐसा कुछ नहीं हूँ, ऐसा कोई हस्ती भी नहीं हूँ जो कि इस गंभीर सिचुएशन के बारे में बोलूँ। बट मेरा ऐसा मेंटल कंडीशन ऐसा हो गया है कि मैं शायद एक दो दिन से काम अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं घर पे दो तीन दिन हो गया मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, जॉब पे नहीं जा पा रहा हूँ। एंड अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि और भी 21 दिन तक हमें घर पे रहना ज़रूरी है, बिकॉज कोरोना वायरस के जो वायरस है वो बहुत जल्दी स्प्रेड कर जाता है। तो हम घर पे रहेंगे तो हम भी सेफ रहेंगे, एंड हमारे साथ साथ हमारे फैमिली मेम्बर, हमारे सोसाइटी मेम्बर शायद हमारे वजह से सेफ रहेगा। तो इसीलिए ये ज़रूरी है हमें घर पे रहना। बट घर पे सिचुएशन कुछ बदल गया है, ऐसा हो गया 2-3 दिन से कि घर पे जो भी हमारा रिश्तेदार है, जो भी हमारा फैमिली मेम्बर है, सब एक ही कल्चर कर रहे हैं कोरोना वायरस। तो उसके चक्कर में पूरा दिन भी उसी टाइम में निकल जाता है। चाहे बहुत सारे लोगों को भी मैं देख रहा हूँ, बहुत सारा मेरा फैमिली मेम्बर को भी देख रहा हूँ, जिनको पूरा दिन व्हाट्सएप में बैठा हुआ है वही न्यूज़ पढ़ रहा है, या तो टीवी में वही पूरा दिन पे देख रहा है, या तो वीडियो में वही चीज़ देख रहा है कोरोना वायरस की वजह से क्या हुआ, किसका क्या प्रॉब्लम हुआ। बट मुझे नहीं लगता ये ज़रूरी है, इतना इन्फॉर्मेशन होना काफ़ी है कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है एंड उसका क्या सलूशन आ रहा है। और खाली सिर्फ पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहे, उसी के बारे में सोच सोच के अपने मन के अंदर पैनिक क्रिएट करते रहे, तो वो उससे हमारा प्रोडक्टिविटी खत्म हो रहा है। क्योंकि तो मैं एक प्रोडक्टिव इंसान हूँ, मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ, मेरा पूरा दिन का ही शेड्यूल रहता है। मैं जॉब करता हूँ, फिर अपना घर पे जो काम रहता है वो करता हूँ, उसके बाद खाना खाकर जब रात में सोता हूँ तो कोई टेंशन दिमाग में रहता ही नहीं। बट अभी ऐसा एक सिचुएशन हो गया कि जो कि अच्छे से काम भी नहीं हो पा रहा था 2 दिन से, एंड उसके बाद जॉब क्या होगा, कब क्या चालू होगा, उसके बाद यहाँ पे घर पे भी माहौल ऐसा बन गया कि काम पे बैठ ही नहीं पा रहे थे। तो इस सिचुएशन में मैं अपने आप को जो समझाया वही चीज़ मैं आपको भी शेयर करना चाहता हूँ कि अगर शायद हम इस सिचुएशन में घर पे एक अलग रूम लेके, एक छोटा सा जगह लेके हम अपना कुछ काम करने का सोचे तो अच्छा रहेगा। बिकॉज इस टाइम में हम ऐसा बहुत सारा काम है जो कर पाएंगे, जो हमारा रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम जॉब करने जाते हैं उस टाइम कर नहीं पाते। बहुत ऐसा काम है, हम लोग सोचते हैं ये करेंगे बट हमारे पास टाइम नहीं है। हम तो 8 घंटे का जॉब करते हैं, कोई 10 घंटे का जॉब करते हैं, तो उसके बाद हमारे पास वो टाइम नहीं रहता। मैं खुद 10-11 घंटे का जॉब करने के बाद मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता। मैं दूसरा जो भी मेरा शौक है, जो भी मुझे ऑनलाइन कुछ बिजनेस करना है उसके बारे में जो शौक है वो नहीं कर पा रहा था। सो मुझे यही लगा कि अपने आप को मैं झोंक दूँ उस काम में, फालतू ये टेंशन लेके कोरोना वायरस की वजह से क्या होगा, सोसाइटी में क्या चल रहा है, ये है वो सब कुछ मतलब ही नहीं है। मैं अगर ये सब टेंशन में लेते रहूँगा तो इससे मुझे तो कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। और उसके साथ साथ मेरा जो दोस्त है, जो भी मेरा रिलेटिव है, उनको भी मैं यही चीज़ फॉरवर्ड करते रहूँगा व्हाट्सएप में, तो उससे भी उनका भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो हमारा काम ये रहेगा हम अपने ऊपर ध्यान दें, हम अपना कुछ प्रोडक्टिव करने से हम कुछ क्रिएटिव कर सके, हमारा जो फील्ड है, जो वर्क फील्ड में हम काम कर रहे हैं उसमें हम आगे कैसे बढ़े उसके बारे में थोड़ा सा सोचे। हम अगर कुछ काम अभी तक कर नहीं रहे तो उसके कैसे काम करेंगे, क्या हमारा आगे का प्लानिंग है उसके बारे में थोड़ा सा सोचे। फालतू का एक ही चीज़ के बारे में सोच के, एक ही टॉपिक के बारे में जो कोरोना वायरस की वजह से पैनिक क्रिएट करके हम अपने फैमिली मेम्बर को एंड अपने दोस्तों को, अपना रिलेटिव वाले को, हम अपने आप को, अपना मेंटल कंडीशन खराब कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन से निकल के आइए, जो इन्फॉर्मेशन जरूरत है सिर्फ उतना ही लीजिए, क्या करना जरूरी है, क्या करना नहीं जरूरी है। जैसे कि हमें थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखना है, किसी के साथ बात करना हो अगर बाई चांस बाहर जाना हो तो, अदरवाइज घर पे ज़्यादा टाइम रहना है, सब फैमिली मेम्बर के साथ रह के सेफ रहिए। कोई भी जो भी प्रिकॉशन बोला गया है प्रधानमंत्री जी ने पूरा अनाउंस किया है, वो प्रधानमंत्री जी का वीडियो देख के पूरा अनाउंसमेंट सुन के इसी हिसाब से चलने की कोशिश करिए। बाकी पूरा दिन वही एक ही चीज़ मोबाइल के नीचे बैठे रहना, टीवी के नीचे बैठे रहना, एक ही चिंता करते रहने का मुझे नहीं लगता वो जरूरी है। अपना काम करिए, अपना जो भी प्लान है उसके ऊपर, अकॉर्डिंग के ऊपर काम करने की कोशिश करिए, तभी आपका प्रोडक्टिव कुछ काम आगे निकल के आएगा। अदरवाइज आप देखेंगे कि जब 21 दिन के बाद आप जब जॉब पे जा रहे हैं, सारा आपका मेंटल पूरा ब्लॉक हो गया, आप काम ही नहीं कर पा रहे बिकॉज आपका आदत ही छूट गया है। तो इसके लिए आप इस टाइम को यूटिलाइज करिए, इस टाइम को अपने घर पे बैठ के कुछ नया करने का सोचिए, कुछ प्रोडक्टिव करने का सोचिए, अपने मन मुताबिक जो भी आप करना चाहते हो उसके बारे में सोचिए। आई डोंट नो ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहेगा। एक्चुअल में सारे पूरा वीडियो मैं अपने आपके लिए बना रहा था, मैं अपने आप को समझाने के लिए पूरा वीडियो बनाया कि मेरा ये मेंटल कंडीशन ऐसा सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। तो इस टाइम में आप अपना काम करके अपना फोकस को कोरोना वायरस से दूर करके अपना काम में ला सकते हैं। सो अगर इस वीडियो से किसी को हेल्प हो सके तो चाहे तो शेयर कर सकते हैं। जो पूरा दिन व्हाट्सएप में लगे रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, आपको कोरोना वायरस का अपडेट भेज रहे हैं, तो उनको तो खास करके करिए,
ताकि उनको लगे कि नहीं एक्चुअल में इस टाइम में हमारा शायद कुदरत ने ये टाइम दिया है, ऊपर वाला ने ये टाइम दिया है, हम अपने ऊपर मेहनत कर सके, हम अपने फैमिली मेंबर को टाइम देने के बाद थोड़ा सा काम कर पाए, अपना जो फ्यूचर प्लान है उसके ऊपर काम कर पाए, जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ने का सोचे, तो जो हम टाइम मिला उसको यूटिलाइज करें। दैट्स ऑल।